नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी से जो 80 की उम्र में भी युवाओं जितनी ऊर्जा रखती हैं। अपनी दूरदर्शिता और इच्छा शक्ति की बदौलत इन्होंने अपने पति की मौत के बाद नए सिरे से जीवन शुरू किया और जमीन से आसमान को छूने वाली नोएडा की ये बेटी आज करोड़ों की कारोबारी है। देश के उम्दा खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरी ये दीवार किसी स्टेडियम या स्पोर्ट्स क्लब का एहसास कराती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली ये दीवार दरअसल IFP पेट्रो प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री है। जितना अलग अंदाज इस फैक्ट्री की दीवारों पर नजर आ रहा है, उतनी ही अलग है यहाँ की मालकिन उर्मिला भार्गव। 37 साल पहले पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में कदम रखना भी उतना ही अलग फैसला था, लेकिन उर्मिला ने पति की मौत के बाद 70 के दशक में ये बड़ा फैसला अपने आत्मविश्वास के दम पर लिया था। 76 में अचानक एक मामूली से हार्ट अटैक में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उस समय मेरे पास 3 माइनर चिल्ड्रन थे, सबसे बड़ा 16 का था, सबसे छोटा 6 ईयर्स का था और इनकम्प्लीट यूनिट था। एंड तो 3 साल से की डिलेज के बाद में जो अपना कैपिटल था वो भी बहुत डिसिपेट हो चुका था, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी बुरी थी और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था जिसको कहना चाहिए। 1973 में उर्मिला अपने पति के साथ दिल्ली आ गई थी क्योंकि पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर पति का सपना था पेट्रो उत्पादों के क्षेत्र में काम करना, लिहाजा साहिबाबाद में सरकारी मदद से जमीन ली, भवन निर्माण का काम शुरू हुआ। लेकिन 1976 में हार्ट अटैक से पति की मौत हो गई। 3 बच्चों की परवरिश के लिए वे पढ़ाने लिखाने का काम कर सकती थी क्योंकि 50 के दशक में बीएड करने वाली चुनिंदा बेटियों में से वे एक थी। लेकिन शादी के 17 साल बाद उर्मिला ने घर से बाहर निकलकर पति के सपने को पूरा करने का फैसला किया, ऑयल रिफाइनरी की नींव रखी और लोगों के तमाम सवालों को पीछे छोड़ते हुए इंडियन ऑयल, BPCL जैसे संस्थानों के लिए ऑयल रिफिलिंग का काम किया। अपने इंटरेस्ट के लिए साथ साथ नॉलेज गेन करती थी, लेकिन मैं कोई करियर वुमन नहीं थी। लेकिन उस समय मैंने डिसाइड किया कि अपने इस ड्रीम को, एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंजीनियर के ड्रीम को मैं पूरा करूंगी और इस यूनिट को चलाऊंगी। नए उद्यमियों के सामने आने वाली भ्रष्टाचार से जुड़ी मुश्किलों से पार पाने के लिए उर्मिला ने अपने अनुभवों को किताब में उतारा तो पेशेवर लोगों की कमी को पूरा करने के लिए आज वे नए प्रयासों में जुटी हुई हैं। हम यहाँ पर जो हमने प्रॉब्लम आती है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम खोलना चाहते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली 6-8 महीने में, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हम एनविसाज करते हैं उसको हम पूरा भी कर लें। मथुरा के संपन्न परिवार की इस बेटी के पिता ने बाल विवाह के उस दौर में 23 साल की उम्र में शादी की थी, तो बेटी ने भी एक सफल उद्यमी बनकर परिवार और ससुराल का मान बढ़ाया। विधवाओं को लाचारगी से देखे जाने के उस दौर में उर्मिला ने मजबूती के साथ न सिर्फ अपने पति के सपने को पूरा किया बल्कि ऑयल रिफाइनरिंग के क्षेत्र में अपना नाम भी स्थापित किया। यूज्ड ऑयल रिफाइनिंग प्रोजेक्ट भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि आज तक भी दुनिया में इस टाइप का, इस रिफाइनिंग बिजनेस में कोई औरत नहीं है। ये देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। कोशिश ईमानदार हो तो उम्र भी आड़े नहीं आती और कोशिश निरंतर हो तो हालात भी थक जाते हैं। कल रूबरू कराएंगे आपको दीपा मलिक से, हालात को बोना साबित करती एक और बेटी। बस आप देखते रहिए आपके बरस मोहित बिटिया ही दीजिए।